हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा पता है कि आप लोग को इस समय मैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी भी करा रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि जो आपको इंग्लिश का पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और या उसमें क्या क्या यहाँ पे कि आपका जो पेपर है 80 मार्क्स का पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बुक के हैं। और एज यू नो दैट कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है तो उसमें आपके टोटल इंग्लिश के जो चैप्टर हैं टोटल 4 यूनिट है, तो 2 यूनिट से ही चैप्टर आएंगे और 2 यूनिट जितने भी चैप्टर्स हैं उस चैप्टर में से 2 पैराग्राफ पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आप उस पैराग्राफ के क्वेश्चंस क्या होंगे, विल डिस्कस इट लेटर। ओके, नेक्स्ट आएंगी पोएम। और देखिए यहाँ पे जब आपके पास 2 ही यूनिट है तो 2 यूनिट में से कितने पोएम होंगे, कम से कम 4 या 5 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 पोएम होंगे। अगर इस 5ों पोएम को आपने अच्छे से कर लिया तो वहां पे आपको 5 मार्क्स आपके तो पोएम के मिल जाएंगे और 5 मार्क्स उस पोएम का जो एप्रिसिएशन रहेगा उसके मिलेंगे, और एप्रिसिएशन में कैसा लिखना है उसके बारे में डिस्कस हम लोग करते हैं आगे। नेक्स्ट एंड अगला टॉपिक हमारा नॉन टेक्सुअल पैसेज। नॉन टेक्सुअल पैसेज जो आपके बुक के बाहर का रहेगा वह आपके बुक के अंदर का कोई भी पैराग्राफ नहीं, आप कंफ्यूज में जाएंगे कि ये बुक तो ये तो कभी हमने पढ़ा भी नहीं, आप पढ़े नहीं रहेंगे। ऐसा एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें आपको पैराग्राफ जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में सॉल्व किया था सेम वैसे ही रहेगा, पैटर्न भी सब कुछ वैसे रहेगा, बट इसमें 5 मार्क्स का एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा जो कि समरी राइटिंग रहेगा, उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा राइटिंग स्किल, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए है राइटिंग स्किल। मतलब यहाँ पे तो हमें कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन जहाँ 10 मार्क्स है वहां से कुछ मिल जाएंगे, 20 में से कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन हमें सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, राइटिंग स्किल में। इसे आपको ज्यादा फोकस करना है आपको राइटिंग स्किल में। चलिए तो सारी टॉपिक को 1 बाय 1 करके हम समझने की कोशिश करते हैं। राइटिंग स्किल में कौन कौन से ग्रामर्स आ सकते हैं, जैसे कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो प्लीज आप लोग उसके लिए आप लोग सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, थोड़ा सा देख लीजिएगा। और आप लोग को 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है या बोर्ड के क्वेश्चन पेपर है वो भी जाके देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगी कि आपका जो लैंग्वेज स्टडी है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश मीडियम का अलग पैटर्न है और हिंदी मीडियम का अलग है, तो उसके लिए आपको क्या है 5 ईयर का जो बोर्ड का पेपर है, ओके, जो बोर्ड का पेपर है जो 2022 में जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसको आपको देखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको जाना है हमारी साइट पे www.maheshprajapati.com। इस साइट पे जाना है और वहां पे ऊपर ही ऑप्शन में आ जाएगा प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर में 2 तरह के पेपर मैंने डाले हैं, एक तो स्कूल सेक्शन के लिए एक कॉलेज सेक्शन। तो आप लोग स्कूल सेक्शन में आएंगे तो आपको स्कूल सेक्शन में क्लिक करना है, वहां पे आपको ढेर सारे पेपर मिल जाएंगे और वो भी हिंदी मीडियम के अलग, इंग्लिश मीडियम के अलग, 9th क्लास के अलग, 10th क्लास के अलग, इस तरह रहेंगे। तो आप लोग वहां से जाके पेपर जरूर देखिएगा। लैंग्वेज हिस्ट्री में आपके ग्रामर्स में आ जाएगा, जैसे कि अगर इंग्लिश मीडियम में पूछा जाए तो जैसे कंपाउंड वर्ड हो गया, इन्फिनिटिव हो गया और पंक्चुएशन हो गया, साथ साथ में वर्ड चैन, वर्ड चैन के बारे में मैंने डिस्कस किया, वर्ड चैन भी 3 तरीके का होता है, नाउन नाउन के बारे में अलग से होता है, नाउन के बारे में पूछ सकता है, वर्ब के बारे में या तो एडजेक्टिव बारे में, तो ये सब भी हो सकता है, उसका रिलेटेड वर्ड्स हो सकता है, और 1 वर्ड से आपको 3 या 4 वर्ड बनाने के लिए भी आ जाता है, इस तरह भी आएगा। ये सारे सारे बहुत इजी ग्रामर है, सो इजीली यू कैन डू। और इसी साथ में इंग्लिश मीडियम की अगर बात करते हो तो उसमें एक फ्रेज आएगा, उस फ्रेज का अपने सेंटेंस में यूज करना भी रह सकता है। हिंदी मीडियम की बात करें तो वहां पे आपको आएगा प्रीफिक्स का यूज, हाँ प्रीफिक्स रहेगा या सफिक्स रहेगा उसको यूज करना है, क्लॉज आएगा कि इस क्लॉज को जोड़ करके कोई भी क्लॉज जोड़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करो। तो आपको ये सारी की सारी टॉपिक वाइज वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगी, जो भी टॉपिक आप सर्च करना, जैसे कि आपको इन्फिनिटिव के बारे में सीखना है तो आप जस्ट जाइए चैनल पे सर्च करिए इन्फिनिटिव, और उसमें क्या आएगा, टेंस आएगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस आएगा, ये सब ऑलरेडी मैंने सिखाया है,
वही सारे टॉपिक्स, और ये सारे टॉपिक्स आपको डीपली कहाँ मिलेंगे, जब आप पेपर पैटर्न देखेंगे तो आप प्लीज आप पेपर पैटर्न देखिए, वहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ दिया है, आपको आइडिया मिल जाएगा। उसी तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे, जो कि टोटल 10 मार्क्स के रहेंगे, 4 मार्क्स के एक जगह रहेगा, 4 मार्क्स का एक और 2 मार्क्स का एक, टोटल कितना हो जाएगा आपका, यह मिला के टोटल 10 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा। 10 में से अगर आपने अच्छे से अच्छा किया तो इसमें बहुत अच्छा किया तो भी 10 में 10 पूरा मिलता है, बिकॉज सारे के सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं, तो पूरा मिल जाता है। और आप कोशिश करिए 8 मार्क्स तो आना ही चाहिए। इसमें नेक्स्ट आता है हमारा टेक्सुअल पैसा, टेक्सुअल पैसे जो 2 पैसे आते हैं, और टेक्सुअल पैसे में टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन जैसे ए है तो 1A रहे, A1 रहेगा, A2 रहेगा, A3 रहेगा, A4 रहेगा और A5 रहेगा। A1 में क्या क्या आ सकता है, A1 में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है, ओके, फिलिंग ब्लैंक्स आ सकता है या ट्रू फॉल्स आ सकता है। और फिलिंग ब्लैंक्स कभी आता है तो उसको पूरा आपको जैसा दिया गया पूरा लिख के उसके बाद जो फिल करके अंडरलाइन किया, ट्रू फॉल्स में भी आपको पूरा लिख के ट्रू फॉल्स लिखना है, ओके। या तो कभी कभी अरेंज करने के लिए भी आ जाता है, अरेंज दी इवेंट्स, ओके, जो दिया रहेगा उसको अरेंज करने के लिए पूछ सकता है। और नेक्स्ट वाले में इसमें वेब आ सकता है, वेब दिया रहेगा, वेब डायग्राम की हेल्प से कुछ पूछ देगा, या टाइप्स ऑफ एनीथिंग, या उसके किसी बारे में व्यू पूछ देगा, तो ये वेब के रूप में भी आ सकता है। नेक्स्ट A3 आपका आएगा वैकेबुलरी, वैकेबुलरी में आ सकता है आपका मीनिंग, मीनिंग आ जाएगा, या अपोजिट वर्ड आ जाएगा, ओके। मैच के रूप में भी आ सकता है, कभी कभी सामने सामने लिखने के लिए भी आ सकता है, कभी कभी मैच के रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में, मतलब वैकेबुलरी रहेगा। उसके बाद A4 रहेगा आपका ग्रामर वाला सेक्शन, और इसमें भी ग्रामर, बहुत सारे ग्रामर जो आते ही हैं, मोस्टली एक ग्रामर है जो एड ए क्वेश्चन टैग, जिसको एड ए टेल टैग कहते हैं, एड ए क्वेश्चन टैग, वो आ सकता है। चेंज द वॉइस हो सकता है, चेंज द डिग्री हो सकता है, इसमें सिंपल सिंपल ग्रामर रहेगा, बट इट कैन बी। एंड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होगा, और पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 2-2 मार्क्स, सारे क्वेश्चन के लिए 2-2 मार्क्स है, मतलब आपको पर पैराग्राफ से कितना मिलेगा, 10 मार्क्स मिलेगा, मतलब 2 पैराग्राफ आपको 20 मार्क्स मिल जाएगा। अब इसमें से आपको जो पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन, उसमें 2 का 2 पूरा मार्क्स दिया जाता है, क्यों, क्योंकि वह क्वेश्चन आपके ऊपर रहता है कि आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव व्यू देना है कि निगेटिव व्यू देना है, कि कौन सा किस तरह का व्यू देना है, आपको अपने मन से करना है, तो इजिली आप कर सकते हैं। कभी कभी पैराग्राफ से रिलेटेड पूछता है, देन यू कैन सर्च फ्रॉम द पैराग्राफ एंड यू कैन राइट। और कभी कभी अगर अपने मन से देता है तो आपको अपने मन से लिखना पड़ता है, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो 2 मार्क्स आपका पूरा का पूरा पर्सनल रिस्पॉन्स में मिलता है। और यहाँ भी मार्क्स कैसा है, हाफ करके, 1 करके, इस तरह डिवाइड है। सो इजीली कोशिश करिए कि जैसे कि आप एक फिलिंग ब्लैंक्स दिया था, 4 मार्क्स, 4 दिया रहेगा, तो 4 अगर फिलिंग ब्लैंक्स आप सही करते हैं तो 1 के लिए हाफ मार्क्स रहेगा, तो 4 के लिए आपको कितना है, 2 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। तो कोशिश करिए कि थोड़ी भी गलतियां ना हो, क्योंकि हाफ 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 करके आपको 2 मार्क्स मिल रहा है। इस तरह आपको यहाँ पे 10 में से कम 8 मिलता है, तो 8 8 16 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गया 20 मार्क्स में। इस तरह मैं कम करके बता रहा हूँ कि अगर इस तरह करते हैं तो आप। नेक्स्ट आता है पोएम, पोएम मैंने 2 प्रकार का पोएम बता दिया, एक तो आपका पोएम आएगा जहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दिया रहेगा, एक तो आपका फिगर ऑफ स्पीच पोएम में पूछ देगा कि पोएम में फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, राइमिंग वर्ड भी पूछ सकता है, या तो कभी कभी ट्रू फॉल्स भी पूछता है, कभी फीलिंग ब्लैंक भी पूछता है। तो ये हो गया पहला पोएम, और दूसरी पोएम का रहेगा एप्रिसिएशन। फर्स्ट पोएम रहेगा ओनली फॉर 5 मार्क्स, जो कि क्वेश्चन आंसर रहेगा, और दूसरा एप्रिसिएशन हो जाएगी 5 मार्क्स, ये टोटल हो जाएगा आपका 10 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा। और एप्रिसिएशन आपको अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो उनको आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है। और पहले मैंने बता दिया कि आपके जो फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट यूनिट को मिला करके दोनों यूनिट में ज्यादा ज्यादा 5 या 4 ही पोएम है, इससे ज्यादा पोएम तो नहीं। अब 4 या 5 पोएम को अगर आपने एप्रिसिएशन कर लिया तो 5 मार्क्स तो आपको इजिली मिल जाएगा, बिकॉज 5 मार्क्स में आपको खाली लर्न क्या करना है, ओनली आपको जो नेम ऑफ दी सॉरी नेम ऑफ द राइटर, नेम ऑफ द पोएट, नेम ऑफ द पोएम, ये सब तो दिया रहता है, जस्ट आपको केवल सेंट्रल आइडिया फोकस करना है, ओनली सेंट्रल आइडिया। और ग्रामर तो, और जो बोलते फिगर ऑफ स्पीच, तो वो तो डायरेक्टली आप पहचान लोगे कौन सा फिगर, और कभी भी मोस्टली 1-2 पोएम में 3-4 तो फिगर ऑफ स्पीच रहता ही है, तो जो भी आप बता देंगे सब सही माना जाएगा, लेकिन उसमें याद करना है ओनली सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया मिक्स करके आपको एक पैराग्राफ बनाना है, और जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी 10 में से आपको 8 मार्क्स तो आसानी से मिल सकते हैं। नेक्स्ट नॉन टेक्सुअल पैसेज, जो बुक के बाहर का पैसे रहेगा, जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है, यह पैराग्राफ आ जाएगा इस तरह का। तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, एवरी क्वेश्चन का 2-2 मार्क्स, देन इट विल बी अबाउट 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का क्या होगा, ओनली पैराग्राफ, पैराग्राफ आपका 10 मार्क्स का हो गया। उसके बाद समरी राइटिंग,
समरी राइटिंग आपकी 5 मार्क्स होगी। और समरी राइटिंग कैसा लिखना हो, जो पैराग्राफ दिया ना उसका टाइटल भी देना पड़ेगा। टाइटल आपको देना है वो जिससे रिलेटेड हो वही टाइटल देना है। टाइटल देने के बाद आपको उसके बारे में लिखना है। जैसे आपने पूरा पैराग्राफ आप समझिए 10 लाइन का है, तो आप उसको 3 या 4 लाइन में लिखिए, ज्यादा ज्यादा 3 या 4 लाइन, लेकिन वही टॉपिक लिखना है जो इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब यू हैव टू मेक सेंटेंस आल्सो, तो सेंटेंस बना के लिखना है, ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी कॉपी कर ले तो ऐसा नहीं मिलेगा मार्क्स आपको। आपको एकदम सेंटेंस प्रॉपर बना हुआ मतलब लिखना है। जैसे हम क्या है, कोई मूवी है अगर उसको 3 घंटे का देखते हैं, अगर किसी को बताना हो तो उसको 10-15 मिनट में एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या जो मेन टॉपिक है हम वही बताते हैं ना, सेम उसी तरह आपको ये समरी राइटिंग करना है। नेक्स्ट आते हैं हम राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सबसे ज्यादा मार्क्स आपको यहीं से राइटिंग स्किल से मिलते हैं। इसलिए कोशिश करिए कभी भी जो भी लैंग्वेज के पेपर्स हो तो आप उसको फास्ट करने की कोशिश करिए कि आपको लैंग्वेज के पेपर के लिए कम से कम 1.5 आवर बचा हो। 1-1.5 घंटा अगर बचा रहेगा ना, देन आप इजीली आराम से कर सकते हैं 25 मार्क्स का। वरना फिर भाई तो आप फिर बोलेंगे 10 मार्क्स मेरा छूट गया, 5 मार्क्स मेरा छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें तो इसमें क्या है, आपको सबसे पहले आपका लेटर्स आता है। लेटर भी मैंने बता दिया है कौन सा लेटर आपको लिखना है। यू हैव टू राइट ओनली फॉर्मल लेटर, बिकॉज फॉर्मल लेटर में जो मेन बॉडी होती है बहुत कम होती है, तो फॉर्मल लेटर आप आसानी से लिख सकते हैं। मेन बॉडी कम है, एड्रेस वगैरह है और सब कुछ राइट में रहता है। तो पहला आपका क्या रहेगा, लेटर रहेगा, लेटर करना है। दूसरा, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उनको डायलॉग राइटिंग आएगा। ओके, डायलॉग राइटिंग आएगा, लेकिन डायलॉग राइटिंग भी 3 तरीके का, वो देख लीजिएगा। 3 तरीका मैंने वो भी बता दिया, 3 तरीके में कौन कौन से कैसे है। पहला में रहेगा जंबल सेंटेंस रहेगा, उसको आपको अरेंज करना है। दूसरे में एक सेंटेंस दिया रहेगा, एक सेंटेंस का आंसर बताना रहेगा। और तीसरा रहेगा उसके अंदर कि किसी चीज के इंपॉर्टेंस के बारे में पूछ देगा, तो हो गया। एंड इंग्लिश मीडियम है तो वहां पे आपको आएगा रिपोर्ट स्पीच राइटिंग। हिंदी मीडियम के बच्चों को स्पीच राइटिंग नहीं करनी है, इसको हम ऑप्शन में डाल सकते हैं, बिकॉज डायलॉग और स्पीच राइटिंग में ऑप्शन है। तो हम स्पीच राइटिंग इंग्लिश मीडियम को बच्चों को करना पड़ेगा। और स्पीच राइटिंग कैसे लिखना है उसके बारे में भी आपको बहुत ढेर सारे ये जो राइटिंग स्किल टॉपिक है ना, वो आपको मेरी साइट पे मिल जाएंगे, www.theenglishgrammars.com, theenglishgrammars.com। ओके, इस साइड पे जाएंगे ना, मेरी खुद की साइड है, इस साइड पे आपको राइटिंग स्किल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे लेटर राइटिंग होगा, डायलॉग राइटिंग, स्पीच राइटिंग, एवरीथिंग आई हैव गिवन देयर, तो वो देख लीजिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आ जाएगा व्यू काउंटर व्यू। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको ये क्वेश्चन नहीं है, व्यू काउंटर व्यू नहीं है, तो उनको करने की जरूरत नहीं है। व्यू काउंटर व्यू केवल इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आएगा। व्यू काउंटर व्यू क्या होता है, जैसे कोई भी टॉपिक दी रही ना उसके बारे में आपको अपोजिट लिखना है। वहां पे सब कुछ फेवर में लिखा रहेगा, लेकिन जो भी पॉइंट दी रही है फेवर में, बट हमें उसके अपोजिट में लिखना है। इसमें तो उसके अपोजिट में हमें काउंटर व्यू देना, अपना काउंट अपना व्यू देना है, काउंटर व्यू जिसे बोलते हैं। ये भी पैराग्राफ वाइज, तो 2 पैराग्राफ आपको बनाना होता है। नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है आपका न्यूज रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज रिपोर्ट राइटिंग में कोई भी एक हेडलाइन दी है, जैसे आपको न्यूज पेपर में आपने देखा है कोई भी एक हेडलाइन दी रहती है। हेडलाइन के बाद आपको क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी राइटिंग स्किल कहाँ मिलेगी, जस्ट ऑन माई साइट, दैट इज www.theenglishgrammars.com। अगर ये साइट पे आप नहीं विजिट कर पा रहे तो मेरी जो मेन साइट है महेशप्रजापति.com पे जाइए, वहां से भी इस साइट को आप विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों वहां से जाके विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा के बाद हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो एक और आएगा ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन इजीली आप कर सकते हैं, तो उन्हें मैं बता रहा हूँ मैं। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए एक और टॉपिक है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम, एक्सपांड दी थीम। एक्सपांड दी थीम क्या रहेगा, यहाँ पे कोई ऐसे प्रोवर्ब रहता है, जैसे 1 stitcher on time saves 9, कट योर क्लोथ अकॉर्डिंग टू योर, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, ये सब होता है, हेल्थ इज वेल्थ, या तो एज यू सो सो शैल यू रीप, ये सब होते हैं ना प्रोवर्ब, वो प्रोवर्ब से रिलेटेड भी एक टॉपिक आ जाता है। तो एज ऐसे बोल देंगे, एक्सपांड दी थीम मीन्स ऐसे ही रहेगा, तो ऐसे आपको एक्सपांड करना रहेगा, ये हो सकता है। उसके बाद एक और टॉपिक लास्ट आपका आता है, वो होता है नरेटिंग या डिस्क्रिप्टिंग। नरेटिंग मीन्स क्या होता है, कोई भी पोएम सॉरी कोई भी स्टोरी बनाना है, लेकिन आपको वहां पे खुद होना है, नरेट करना मतलब यू हैव टू बी देयर। जैसे आपने हरी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो हरी और राइटर ये दोनों साथ में रहते हैं, तो जहां भी हरी बोलता है आई का यूज करता है, तो वो क्या हो गया, नरेटिंग हो गया। लेकिन डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्राइबिंग क्या होता है, जब हम वहां पे इंक्लूड नहीं होते, हम दो कोई स्टोरी बता रहे हैं लेकिन हमारा वहां पे इंक्लूजन नहीं है, तो वो क्या हो, नरेटिंग हुआ। तो नरेटिंग और डिस्क्रिप्टिव में दोनों में ऑप्शन दिया होगा, जो भी आपको ईजी लगे वो कर सकते हैं। और यह क्या है, स्टोरी रहेगा, नरेटिंग स्टोरी या तो डिस्क्राइबिंग अ
स्टोरेज। तो ये सारे के सारे राइटिंग स्किल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी टॉपिक आपको कहाँ मिलेगी, हमारी इस साइट पे मिलेंगे। और जो ग्रामर्स के टॉपिक्स है वो भी हमारे चैनल पे ही विजिट करिए, चैनल पे मिलिए। लेकिन सबसे पहले आप क्या करिए, जो बोर्ड के पेपर्स है उस पेपर को देखिए, बिकॉज बोर्ड का पेपर जो पैटर्न है उसके हिसाब से ही आपका जो सेमेस्टर का एग्जाम है उसके हिसाब से आना, उसी पैटर्न के हिसाब से आने वाला है। तो आप लोग विजिट करिए हमारी साइट को mahesh.com, उस पर जाइए, 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो वहां से देख लीजिएगा कि किस तरह का क्या कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, वही सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी इंक्लूड किया जाएगा। मैंने कोशिश किया आपको इंग्लिश के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या क्या आ सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। और हाँ, ये साइट देखिए यहाँ पे दिया है theenglishgrammar.com, इस साइट को विजिट करना है, जहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर साथ साथ में सारी राइटिंग स्किल मिलेंगी। और राइटिंग स्किल में सॉरी एक टॉपिक मैं भूल गया, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, सॉरी फॉर दैट। कुछ और भी टॉपिक हैं जो मुझे नहीं याद हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, ओके। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में क्या आएगा, आपका टेबल दिया रहेगा, पैराग्राफ बनाना है, पैराग्राफ दिया टेबल, मतलब नॉन टेक्सुअल टू टेक्सुअल, टेक्सुअल टू नॉन टेक्सुअल। और ये सारी राइटिंग स्किल आपको एक ही जगह मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जस्ट यू हैव टू विजिट ऑन माय दिस साइट, साइट को विजिट करिए, वहीं पे सब कुछ मिलेगा। सो इजीली यू कैन क्लियर योर डाउट ऑल्सो। और राइटिंग स्किल के लिए आप लोग लेटर भी जरूर देख लीजिएगा, लेटर भी मैंने कई वहाँ पे दिया है, काउंटर व्यू, काउंटर हाँ व्यू, काउंटर व्यू भी वहाँ पे दिया हुआ है, न्यूज रिपोर्ट राइटिंग भी दिया है, वो भी देख लीजिएगा। हमारे कई एप्स भी हैं, आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारी साइट पे जाके mahesh.com पे, वहाँ पे आपको ये सारे एप्स मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। और उसी तरह आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड आप हमें अदर सोशल नेटवर्किंग साइट पे ही फॉलो कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।